नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हाल के वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी सुधार आया है, क्योंकि देश भर से पर्यटकों का यहां आगमन हुआ। इस बार सर्दियों की छुट्टियों में भी पर्यटकों ने बड़ी संख्या में कश्मीर आने के लिए बुकिंग कराई हुई है, जिसे लेकर पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इस समय कश्मीर घाटी के विभिन्न होटलों में कमरों की साज सज्जा को नया रूप दिया जा रहा है, हीटरों को ठीक किया जा रहा है, पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न साजो सामान को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी होने के बाद जब घाटी का संपर्क देश के अन्य भागों से कट जाता है तो ज़रूरी सामान की किल्लत भी हो जाती है। कश्मीर में टैक्सी वाले हों, टूर ऑपरेटर हों या फिर शिकारा वाले, सभी बेसब्री से दिसंबर के दूसरे सप्ताह का इंतजार कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जा सके। हम आपको बता दें कि जब कश्मीर घाटी में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, तब सेंट्रल हीटिंग बॉयलर और बिजली के कंबल पर्यटकों को बड़ी राहत प्रदान करते हैं। होटलों में इन सेवाओं को दुरुस्त करने पर इस समय ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछले 40 सालों से हम टूरिस्ट के साथ वाबस्तगी रखते हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ, इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ। और जहाँ तक इस बार मौसम का ताल्लुक है, तो इस बार मौसम पहले ही अपना रुख दिखा चुकी है। सर्दियाँ शुरू हो गई है अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि थोड़े दिनों पहले यहाँ पे बर्फबारी भी थोड़ी सी हो गई थी, तो जो गिरावट यहाँ के टेम्परेचर में आई, तो उस वजह से भी हमको भी प्रिपरेशन करनी पड़ी। होटलों ने पूरी तैयारी कर रखी है, अब सर्दी का मसला भी नहीं। अब नई नई टेक्नोलॉजी आई है गर्म कमरों को गर्म रखने के लिए, और उसी को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। मतलब सर्दियों में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो इस वजह से होटल वाले भी बहुत तैयार हैं। मतलब अब वो सर्दी का मसला नहीं, चाहे टेम्परेचर कितना भी डाउन हो जाए, अब वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे ये मसला दूर हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।